आर्ट आया, देखा, इस साइड चेक करा, दूसरी साइड। तीसरा टेस्टिंग पॉइंट है, चार्जिंग आईसी के पास में लगा होगा, ग्राउंड से चेक करें, कोई सरा बीप नहीं करेगा कि ये सब कुछ ओके है। तो यहाँ पर एक तरफ कैपेसिटर के कितना मिलेगा, 4 और 1 8। तो लगाइए। हाँ, इसका नाम है बूट कैपेसिटर, या यहाँ पे लिखा होगा BTST, ठीक है, बूट कैपेसिटर BTST या बूट स्ट्रैप कैपेसिटर। क्या? बूट स्ट्रैप कैपेसिटर, ये कई सारे इसके नाम होते हैं। कई जगह बूट कैप लिखा होगा ओनली, क्या लिखा होगा? बूट कैप। इसका पूरा नाम है बूट स्ट्रैप कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर की समस्या वाली समस्या क्या है कि ये सबसे पहली बात तो सीरीज पे लगा होता है। कैसा लगा होता है? हाँ, सीरीज पे, यानी ग्राउंड से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये सीरीज पे लगा होता है। मतलब इस साइड भी प्लस है और इस साइड भी प्लस है, माइनस का कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है। ये एक ऐसा कैपेसिटर है, अगर ये खराब हो जाएगा तो आपको सेम वैल्यू का लगाना ही पड़ेगा। मैंने क्या 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 कहा था, और कैपेसिटर जो है आप चेंज कर सकते हो, साइज देख के काम हो जाएगा, ना लगाओ तो भी काम हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, फैरेड देखना है आपको। तो अब ये है, तो अब समझिए, पहले जिस साइड से जुड़ा होगा तो एक साइड 4 वोल्टेज आएगा, समझिए, टेस्टिंग बता रहे हैं, किसी भी फोन की बता रहे हैं, एक तरफ 4 वोल्ट और एक तरफ 8 वोल्टेज, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो एक साइड कितना मिलेगा, 4 वोल्टेज और एक तरफ 8 वोल्टेज। लिखिए टेस्टिंग पॉइंट नंबर 2, 3। हाँ, 3, बूट कैप क्वालकम के हिसाब से पकड़िए इसको, बूट कैपेसिटर को, और ये सीरीज पे लगा होता है। अगर आप जानते भी नहीं हैं तब भी आप पता कर लेंगे, पावर चार्जिंग आईसी के पास में लगा होगा, ग्राउंड से चेक करें, कोई सरा बीप नहीं करेगा, कोई है चेक करके बताए बिना देखे। बूट कैपेसिटर इसका नाम होता है, ठीक है, ये तीसरा टेस्टिंग पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है BTST 21 नंबर पिन से, और ये C513 इसका नाम है, और 0.47 माइक्रोफेरेड का है। देखिए अब यहीं से देखो, ये यहाँ से सप्लाई गई और यहाँ से होके हुए यहाँ से, और यहीं पे स्विचिंग वाले वोल्ट पे, यानी सीरीज पे, इसमें माइनस कहीं से है नहीं है। BTST बूट स्ट्रैप कैपेसिटर। अब आती है इसकी टेस्टिंग की बारी, कि ये सब कुछ ओके है तो यहाँ पर एक तरफ कैपेसिटर के कितना मिलेगा, 4 और 1 8। तो लगाइए डाटा केबल और चेक करिए 20 वोल्ट पे। डाटा केबल है किसी को, लगा के चेक करो भाई, चेक करो इस कैपेसिटर पे, ठीक है, ये BTST अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब कहाँ पर ये लगा है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सर्किट में यहाँ दिया है BTST, देखिए ध्यान से, 0.47 माइक्रोफेराइड, और ये कैपेसिटर है 513। लेआउट पे आते हैं, राइट क्लिक कंट्रोल वी, इसके नीचे ये लगा छोटा सा, और हमारा अगर सर इसकी बात करें, ओके, ये लगा छोटा सा, ये लगा है, ग्राउंड से चेक करिए, टेस्टिंग करिए इसकी, कोई भी सरा बीप नहीं करेगा। ये एक तरफ 4 वोल्ट, इसको बोलते हैं बूट कैप, ठीक है, और एक तरफ इसके 4 वोल्ट मिलेगा, एक तरफ इसके 8 वोल्टेज मिलेगा। वेरीफाई करिए, डाटा केबल लगा के चेक कराइए, आठ आया, देखा, इस साइड चेक करा, दूसरी साइड, हाँ, 3.0, 3.7 से 4.2 आया, इधर हुआ चेक, ऐसे चेक करना है। ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा भाई मेरे, देखिए यहीं पर आपका किस में लगा है, ये किससे कनेक्टेड है, यहाँ देखिए ये कनेक्टेड किससे है, VPH पावर की लाइन से कनेक्टेड है। तो VPH यानी इस साइड से अगर आएगा वोल्टेज तो क्या है, 4 वोल्टेज, और IC की साइड से 8 वोल्टेज, ठीक है। VPH कितना होता है, 3.7 से 4.2 वोल्टेज, तो वही बताया, 3.7 से 4.2 कैपेसिटर के इस साइड आएगा और इस साइड कैपेसिटर के 8 वोल्टेज आएगा, समझ में आई बात। अगर इस साइड का सरा बीप कर रहा है तो ये लाइन शॉर्ट है VPH की, और अगर ये वाला सरा बीप कर गया IC खराब है।